इस सप्ताह आपको कई तरह के बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव की आ सकते हैं। आपको अपने संबंधों से फायदा भी होगा। किसी से उधार पैसा ना लें, ना ही उसकी उम्मीद रखें। बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। आप कुछ बदलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। मिला जुला समय रहेगा। बिजनेस में फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के बीच के दिनों में कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन सब ठीक भी हो जाएगा। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कामकाज ज्यादा होने के कारण परिजनों से वैचारिक मतभेद की आशंका है। शेष सामान्य रहेगा। लव लाइफ जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेमियों के लिए समय ठीक है। दिल की बात पार्टनर से शेयर करेंगे। सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। क्रियर क्रियर के नजरिए से यह समय सामान्य है। जॉब के लिए तैयारी करते रहे। करियर भी अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां रहेंगी। कारोबार में आपकी सोच से ज्यादा फायदा भी हो सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचे नहीं तो नुकसान हो सकता है। हेल्थ सेहत में सुधार होगा। पिता की सेहत को लेकर टेंशन रहेगी। परिवार के किसी सदस्य को आंखों से संबंधित रोग हो सकता है। वृष चंद्रमा की स्थिति सप्ताह की शुरुआत और बीच के दिनों में अच्छी रहेगी। इन दिनों में आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप कई दिनों से सोचते हुए आ रहे हैं। दोस्तों और भाइयों से मतभेद खत्म होगा। मेहनत भी ज्यादा रहेगी तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। साहित्य और कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। राज की बातें या अपनी कमियां दूसरों को बताने से बचना होगा। ऑफिस में काम तो बहुत रहेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा अधूरा भी रह जाए। पक्के इरादों से काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। बेरोजगारों को भी नौकरी मिल सकती है। आपको कुछ ऐसा काम भी करना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं है। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के योग बन रहे हैं। सेहत अच्छी रहेगी। सावधानी रखें। परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। माता पिता का सहयोग मिलेगा। खुद पर काबू रखें। लव लाइफ जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, वरना बात बिगड़ भी सकती है। प्रेमियों के लिए उतार चढ़ाव वाला समय हो सकता है। क्रियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय नकारात्मक भी नहीं है। सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान दें तो सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों की मदद मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए निवेश के नजरिए से समय अच्छा है। आप संपत्ति से जुड़ा निवेश करने का मन भी बना सकते हैं। हेल्थ सप्ताह सेहत के लिए ठीक रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की सेहत भी खराब हो सकती है। परिवार में किसी को पेट की तकलीफ भी हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें। मिथुन बेरोजगारों और स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। तरक्की और सफलता मिल सकती है। धैर्य रखें। अधिकारियों से मदद मिल सकती है। जीवन को बेहतर बनाने के मौके भी मिलेंगे। सप्ताह के बीच में आप सोचे हुए काम निपटा लेंगे। काम पूरे हो जाने से मन भी प्रसन्न रहेगा। जहां तक हो सके आप किसी विवाद में ना पड़े और अपनी तरफ से किसी बारे में कोई टिप्पणी ना करें। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। लव लाइफ रोमांचक रहेगी। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। करियर के लिए महत्वपूर्ण समय है। करियर पर ध्यान दें और अपने विवेक से ही फैसला करें। बेकार की बातों पर ध्यान देने से बचें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय भी अच्छा है। लेन देन सोच समझ कर ही करें। किसी को पैसे उधार ना दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। हेल्थ सेहत सामान्य रहेगी। माता पक्ष के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। कर्ज सप्ताह की शुरुआत खर्चे से हो सकती है। किसी व्यक्ति के साथ आपकी बहुत खास बातचीत भी हो सकती है।
शिक्षा, राजनीति या कानूनी मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलने के भी योग है। लगभग हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। किसी प्रोग्राम की मदद से आपके कॉन्टैक्ट अपडेट होंगे। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आ सकती है। नौकरी और कामकाज सामान्य से बेहतर रहेगा। नए कामों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सावधान भी रहें। कुछ लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण फैसलों को इस समय टाल दें। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा। आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार के साथ समय बीतेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में रुका हुआ पैसा मिल सकता है। लव लाइफ के लिए समय ठीक है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। जीवन साथी से अनबन भी हो सकती है, लेकिन सब ठीक भी हो जाएगा। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय ठीक है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय ठीक है। निवेश सोच समझ कर करें, लेकिन थोड़े संभल कर भी रहें। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। हेल्थ सेहत के मामले में संभल कर रहें। बदहजमी या गैस संबंधी परेशानी हो सकती है। परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। सिंह सप्ताह की शुरुआत फायदे से हो सकती है। इन दिनों में रुके हुए कामकाज पूरे हो सकते हैं। भूमि भवन संबंधी खर्चा हो सकता है। घर और मकान को लेकर ज्यादा उम्मीदें न रखें। इस सप्ताह अच्छा खासा धन लाभ भी आपको हो सकता है। बड़े लोगों से कांटेक्ट हो सकता है। गंभीर और बड़े फैसले से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। बड़ों का सम्मान करेंगे तो परिवार में शांति रहेगी, वरना आपकी बात भी बिगड़ सकती है। पिता या किसी अधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में अचानक ज्यादा खर्चा भी होने की संभावना है। लव लाइफ, आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अच्छा है। पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। मेहनत ज्यादा होगी। इस समय की गई मेहनत आने वाले दिनों में फायदा जरूर देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। खर्चा ज्यादा हो सकता है। निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। भूमि भवन संबंधित खर्चा होने की संभावना है। हेल्थ, आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं तो इन दिनों में आपकी सेहत में सुधार आ जाएगा। परिवार में किसी को खून संबंधी बीमारी हो सकती है। कन्या, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। धन लाभ भी हो सकता है। भूमि भवन खरीदने के योग है। फिजूल खर्ची ना करें, हो सके तो थोड़ी बचत कर लें। मेहनत का फल भी धैर्य से ही मिल सकेगा। कर्म भाव का चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में फायदा देगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे फायदा बढ़ेगा और सप्ताह के आखिरी के दिनों में आपको सावधान रहना होगा। खर्चा ज्यादा हो सकता है। भावनाओं या उत्साह में आकर फैसले लेने से बचें। उधार पैसा देने से बचें। मंगलवार को उधार दिया पैसा वापस आने की उम्मीद ना करें। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। लव लाइफ, शादीशुदा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी टेंशन भी हो सकती है। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेमियों के लिए ठीक समय है। करियर स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। कोशिश करते रहे। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। कारोबार में समय अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। हेल्थ, परिवार में किसी की सेहत को लेकर थोड़ी टेंशन रहेगी। पुराना रोग आपको परेशान भी कर सकता है। मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहे। तुला, इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम सही समय पर निपट सकते हैं। आपको बड़ा फायदा जल्दी मिल जाएगा। आप लोगों को अपनी राय योजना या अपनी इच्छा से सहमत कर लेंगे। आपके लिए घर परिवार रिश्तेदार और जमीन जायदाद खास बने रहेंगे। आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगी।
किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए कारगर हो सकती है। कामकाज का दबाव भी बढ़ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, मान सम्मान मिलेगा। कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जिनसे आपको फायदा तो नहीं होगा, उल्टा खर्चा ज्यादा हो सकता है। इन दिनों में कुछ समय फालतू कामों में भी खराब हो सकता है। लव लाइफ प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है। पार्टनर आपसे संतुष्ट और खुश हो सकता है। सप्ताह के आखिरी तक सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा मिला जुला हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, वहीं अन्य क्षेत्र के स्टूडेंट्स को सफलता के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। धन संबंधी मामलों में किसी पर भरोसा ना करें। साझेदारी के कामों में सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य है। अधिकारियों से बहस ना करें। हेल्थ सेहत से जुड़ी चिंता रहेगी, जरूरी चेकअप करवा लें। बच्चों की सेहत पर भी मौसम का बुरा असर रहेगा, सावधानी रखें। वृश्चिक सप्ताह की शुरुआत कमजोर जरूर है, लेकिन आप धीरे धीरे अपने रंग में आते जाएंगे। घर परिवार के मामले आपके मन पर हावी हो सकते हैं। घर से कोई बिजनेस या पार्ट टाइम काम भी शुरू हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। शुरुआती दिनों में आप सेहत और सुरक्षा को लेकर सावधानी रखें। आपके लिए जो चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, वही किसी और के लिए बहुत खास है। इन चीजों में बदलाव करके आप लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। धन संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। शेयर, जमीन, जायदाद आदि में फायदा हो सकता है। सामाजिक कारणों से आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। परिवार में तनावपूर्ण वातावरण खत्म हो जाएगा। संतान की ओर से चिंता रहेगी। ससुराल पक्ष में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। ये दिन आपके लिए भी अच्छे रहेंगे। लव लाइफ सामान्य रहेगी। जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, वहीं बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर, जमीन जायदाद तथा कपड़ों का व्यापार करने वालों के लिए समय अच्छा है। हेल्थ सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको परेशान कर सकती है। खान पान का ध्यान दें, मानसिक परेशानी भी रहेगी। धनु, इस सप्ताह आप जितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे ऑफिस में उतने ही सफल और सुरक्षित रहेंगे। ऑफिस में बॉस को बड़े फैसलों में आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आपके लिए संतान और उससे जुड़े काम खास हो सकते हैं। किसी पुराने साथी से भी मुलाकात हो सकती है। सोचे हुए कामों में देरी होने से परेशान रहेंगे। बिजनेस और नौकरी में आपके और आपके पैसों को लेकर दूसरे क्या सोच रहे हैं या आप पहले ही समझ जाएंगे। इन दिनों में आपको कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं। सोचे हुए कुछ काम पूरे हो जाएंगे। वाणी पर संयम रखें। जरूरी कामों में फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी रिश्तेदार से भी मनमुटाव हो सकता है जो लंबे समय तक रहेगा। किसी का दिल दुखाने वाली बात ना करें। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। पति पत्नी के बीच कोई गलत फहमी है तो वह भी दूर हो सकती है। प्रेमियों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। समय अच्छा रहेगा। करियर, इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। करियर से जुड़े किसी फैसले को लेकर पसोपेश की स्थिति बन सकती है। अपना ध्यान ना भटकने दे। कुछ समय में सब ठीक भी हो जाएगा। आर्थिक नजरिए से सप्ताह आपके अनुकूल कहा जा सकता है। आपके कामकाज की तारीफ भी होगी। अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोग भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ सेहत थोड़ी ठीक रहेगी, फिर भी मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। ज्यादा ठंडी चीजें खाने पीने से बचें। कामकाज ज्यादा होने से थकान रहेगी।
मकर चंद्रमा गोचर कुंडली के छठे से आठवें भाव तक जाएगा। सितारे आपको अजीब सी स्थिति में डाल सकते हैं। आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जिनको बार बार बदला नहीं जा सकता। आपके फैसले सही भी रहेंगे, जमीन जायदाद या मकान लेने का विचार दिमाग में चलता रहेगा। नौकरी में सब ठीक रहेगा, नई तकनीक की ओर भी रुझान बढ़ेगा। अटके हुए काम बन सकते हैं, सामाजिक काम भी पूरे होंगे। दुश्मनों पर आपका प्रभाव पड़ेगा, आप कुछ संवेदनशील और भावुक भी रहेंगे। धन लाभ हो सकता है, दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में अपनी सेहत पर ध्यान दें। माता पिता का सहयोग भी मिलेगा, परिवार में मान सम्मान मिलेगा। लव लाइफ के लिए समय थोड़ा मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जीवन साथी से अनबन हो सकती है। वाणी पर संयम रखें, करियर संबंधी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। मेहनत से फायदा होगा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है, पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। साझेदारी के बिजनेस में हाथ ना डालें, निवेश करते समय सावधानी रखें। धन लाभ होगा, हेल्थ सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। मौसमी बीमारियों का असर छोटे बच्चों पर दिखाई देगा, परिवार का कोई सदस्य बीमार भी हो सकता है। कुंभ कोई खुशखबरी भी इन दिनों में आपको मिल सकती है। स्थितियां धीरे धीरे आपके फेवर में हो सकती है। आप जितना धैर्य रखेंगे उतने ही सफल और सुखी रहेंगे। घर के बाहर लगभग हर मामले में आपको सफलता मिल सकती है। भागदौड़ और लोगों से मुलाकात सप्ताह भर चलती रहेंगी, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान दें। कोई छोटी बात भी इन दिनों में आप भूल सकते हैं जो बाद में याद आएगी। परिवार में शांति रहेगी, सेहत फले से थोड़ी ठीक रहेगी। रिश्तेदारों से जुड़े रहेंगे, दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। इन दिनों में आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। मन लगाकर अपने कामकाज निपटाएंगे, टेंशन से भी राहत मिल सकती है। इस सप्ताह नई चीजें खरीदने के योग भी बन रहे हैं। पुरानी बातों को लेकर पारिवारिक माहौल भी प्रभावित हो सकता है। आसपास और साथ के लोगों से सोच समझ कर व्यवहार करें। लव लाइफ दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक नहीं है। इस समय लिए गए कुछ फैसले आपको गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। कोई भी फैसला अनुभवी की सलाह लेकर ही करें। जरूरत से ज्यादा खर्चा भी हो सकता है। कारोबार में फायदा हो सकता है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम ज्यादा करना पड़ सकता है। निवेश सोच समझ कर करें। हेल्थ किसी ना किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, थकान भी होगी। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की सेहत ठीक रहेगी। मीन परेशानियां कम हो सकती है। करियर में बदलाव के भी मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ सकती है। सामूहिक कामों में भी सफलता मिलने के योग है। नॉलेज बढ़ेगा। नौकरी या कारोबार से जुड़ी कोई टेंशन भी लगातार रह सकती है। किसी बात को लेकर आपका मन भी डगमगा सकता है। बुरे ख्यालों पर ध्यान ना दें तो आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ मामलों में आप बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नया कर ही लेंगे। कामकाज में रुकावटें तो आएंगी, लेकिन धन लाभ भी हो सकता है। प्रिय वस्तु के खोने या चोरी होने का भी डर बना रहेगा। निवेश में सावधानी रखें। पार्टनर से सहयोग मिलेगा, आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ किस्मत का साथ मिलेगा। अविवाहित लोगों की विवाह संबंधी बात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेमियों के लिए भी समय अच्छा है। करियर स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी शामिल होंगे। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है, आपके लिए फायदे वाला समय है। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है। कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में बिजनेस में फायदा हो सकता है। आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। हेल्थ सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। खान पान पर ध्यान दें, पुराने रोग भी आज आपको परेशान कर सकते हैं। पिता की सेहत को लेकर टेंशन रहेगी।